ये एचसीक्यू का इश्यू आ रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट का क्या सिचुएशन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.23 थी मार्च में, अप्रैल में वो 30 करोड़ टैबलेट हो गया है। इसका मतलब है 1.5 टाइम्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत का बढ़ा है। हमने जो रिलीज हमने मार्केट में रिलीज किया है, मार्केट में फार्मेसी को 9 करोड़ का प्लान है, 5 करोड़ अभी दिया है, 4 करोड़ अभी ट्रांजिट में है। अच्छा, अगेंस्ट उनका रिक्वायरमेंट, रेगुलर रिक्वायरमेंट 2.5 करोड़ था, ये यूज होता था आर्थराइटिस एंड लुपस, ये दो डिसीज के लिए यूज होता था, इसके सामने हमने 9.5 करोड़ का हम रिलीज कर दिया है। अच्छा, सेंटर एंड स्टेट दोनों का हमने डिमांड पूरा दिया है, वो नेक्स्ट के नेक्स्ट में ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये है पूरा, एक बताते हैं आपको कि देयर आर टू मेन मैन्युफैक्चरर्स, दे मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी एचसीक्यू, इपका एंड थाइडस। ये दोनों का कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी 4.73 एंड 7.50 था, तो वो था टोटल मिला के 12.23 था, आज 30 हो गया है। मुझे अभी बताया गया है कि मई में जो 30 करोड़ हमने लिखा है टैबलेट, वो 40 करोड़ तक की हो सकती है। और नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सप्लाई, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें 7 करोड़ दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको बताया कि इतना ज्यादा हमको बस इतना अभी नहीं चाहिए, और लेकिन हमने उसको दे दिया है रिक्वायरमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को हमने 3.80 प्रोवाइड किया है, और फार्मेसी में 5.24, और मैंने बोला 4 करोड़ ट्रांजिट में है, मिला के 16 करोड़ टैबलेट, जो 2.5 करोड़ था इसके सामने 16 करोड़ टैबलेट हमने मार्केट में दिया हुआ है। एचसीक्यू का इट इज अ सक्सेस स्टोरी इन विच वी हैव बीन एबल टू यू नो द हेल्प द अदर नेशंस आल्सो।